बार की बात है, जालंधर के रेलवे स्टेशन के पास एक गरीब लड़का भीख मांगा करता था। एक दिन उसको एक सूटेड बूटेड बिजनेसमैन दिखा, जो दिल्ली से जालंधर व्यापार के लिए आया करता था। उस बिजनेसमैन को देखकर लड़का सोचने लगा, ये खूब पैसे वाला आदमी लगता है, यह मुझे ज्यादा पैसे दे सकता है। वो लड़का उसके पास गया और बोला, साहब बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, कुछ पैसे दे दो। तो वह बिजनेसमैन बोला, पैसे तो मैं दे दूं, पर एक व्यापारी होने के नाते मैं ये जानना चाहूंगा कि उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। अब जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मैं इसके बदले तुम्हें पैसे दूं। वह लड़का ऐसी बात सुनकर चौंक गया और सोचने लगा कि मैं क्या दे सकता हूँ। तभी उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया। उसने उस व्यापारी को कहा, साहब एक मिनट रुक जाओ, मैं अभी आया। वो थोड़ी दूर गया और जब वापस आया तो उसके हाथ में एक फूल था, और उसने उस बिजनेसमैन की ओर वो फूल कर दिया। बिजनेसमैन हैरान हुआ और बोला, तुम्हारा ये ढंग मुझे बहुत अच्छा लगा, अब तुम वादा करो आगे से कभी खाली हाथ नहीं मांगोगे, कुछ चीज के बदले पैसे ले लिया करना, समझे। लड़के ने कहा, ठीक है ऐसे ही करूँगा, और वह बिजनेसमैन उसको एक रुपए का नोट देकर चला गया। उस लड़के के मन को यह बात जच गई और वह अब सबको फूल देकर मांगने लगा, और लोग भी उसकी यह आदत देखकर उसे थोड़े बहुत पैसे दे देते थे। एक दिन उसको सामान्य से ज्यादा पैसे मिले। उसका काफी देर से समोसे खाने का मन था। उस दिन उसने स्टेशन के बाहर वाली रेहड़ी से खाने के लिए कुछ समोसे ले लिए और उनको फूल वाली टोकरी में रखकर प्लेटफॉर्म के पास बनी एक छतरी की ओर जाने लगा। तभी वहां से एक आदमी जल्दी जल्दी से जा रहा था, जिसकी ट्रेन छूटने वाली थी। उसने उस लड़के को देखकर समोसे बेचने वाला समझा और रास्ते में खाने के लिए टोकरी से दो समोसे उठाकर नोट रखकर भागकर ट्रेन पकड़ने के लिए निकल गया। जब तक वो लड़का उसको रोकता, तब तक वह आदमी स्टेशन के अंदर जा चुका था। अब लड़का 2 रुपए का नोट देखकर बहुत हैरान हुआ। उस समय 4 आने के समोसे के बदले उसको इतने ज्यादा पैसे मिल गए थे। अब उसको उसी बिजनेसमैन की बात याद आ गई कि शायद भीख मांगने से ज्यादा कोई वस्तु देने से ज्यादा पैसे मिलते हैं। अब तो लड़का बाहर से समोसे लाता और स्टेशन में आकर बेच देता, और धीरे धीरे उसने अपना यह काम बढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद वो किसी काम के लिए दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में बैठा हुआ था, तो अचानक उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर गई और वो उसके पास पहुंचा और बोला, साहब कैसे हो आप, पहचाना मुझे। वो आदमी एक वेल ड्रेस आदमी के मुंह से साहब शब्द सुनकर हैरान हुआ और बोला, नहीं याद नहीं आया कुछ। तब वो आदमी उसके पास बैठा और अपने फूल बेचने से समोसे बेचने की सारी कहानी सुनाई और बोला, साहब आपकी उस दिन की नसीहत ने मेरा जीवन ही बदल दिया। एक भीख मांगने वाले को आपकी नसीहत ने एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान का मालिक बना दिया, और अब मुझे जालंधर शहर के पास गरीब बच्चों के लिए एक बड़ा स्कूल खोलना है, और मैं उसी सिलसिले से दिल्ली जा रहा हूँ। ऐसा सुनकर वो आदमी बहुत खुश हुआ और उस आदमी को गले लगा लिया, और उस बिजनेसमैन को अपनी नसीहत और उस लड़के की मेहनत पर बहुत गर्व हो रहा था। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अपनी किस्मत को बदलने के लिए किसी समझदार की एक नसीहत ही बहुत है, और उसके बाद आप मेहनत से जिंदगी में खुशहाली ला सकते हो।